हाय फ्रेंड्स, दलदा कुकिंग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं बाजरे की रोटी, जो कि हमारे यहाँ पे जैसे हमारे घर पे बनती है ऐसा, और ये बहुत ही यूनिक और स्पेशल रेसिपी है। मैं एक ट्रेडिशनल वे में इस रेसिपी को बनाना दिखा रही हूँ, आप भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। देख लेते हैं बाजरे की रोटी की सामग्री है। बाजरे का आटा 5 कटोरी, पानी आटा गूंदने के लिए 1/2 चम्मच, नमक आटे में डालूंगी मैं इसको, तिल रोटी पे लगाने के लिए। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। चलिए अब आटा गूंद लेते हैं। इस थोड़ा सा आटा निकाल कर रखती हूँ सूखा रोटी बनाने के लिए। इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच नमक, पानी डाल के आटा गूंद लेते हैं। आप देख सकते हैं बाजरे के आटे को अच्छे से गूंद रही हूँ मैं, ऐसे ही गूंद लीजिए। चलिए अब इसकी रोटी बनाते हैं। चलिए अब रोटी बनाना चालू करते हैं। बाजरे के लोई पे मैं आटे के लोई पे मैं तिल लगा लेती हूँ। पहले थोड़ा सा आटा डालूंगी नीचे सूखा वाला, फिर अभी बनाना चालू करती हूँ। बाजरे की रोटी बन गई है। चलिए इसको सेकते हैं तवे पे। तवे पे रोटी डाल दिया है, इसके ऊपर हल्के से पानी लगाइए सब जगह पे। जब पानी सूख जाएगा तभी तो हल्का सा ऊपर से तो पलटी कर दीजिए रोटी को। चलिए अब दूसरी रोटी पीछे पानी सूख गया है, चलिए अब रोटी को पलटी करते हैं। और दूसरी साइड पकने देते हैं। बाजरे की रोटी अब बन गई है, आप देख सकते हैं अच्छे से सीख गई है। चलिए अब इसको सर्व करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।